हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग को पता है कि मसाले का जिनको बिजनेस करना है तो मसाले के लिए बहुत अलग अलग तरीके के स्पाइसेस आते हैं, जिसके अंदर आप लाल मिर्च होती है, जीरा होता है, काली मिर्च होता है, ऐसे हज़ारों तरीके के अलग अलग मसाले आते हैं। तो मसाले की अगर आप लोग को पिसाई करके बेचना है अच्छी क्वालिटी में, तो उसको आप लोगों को पहले ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड करने के लिए आप लोगों को चाहिए होता है कुछ अलग अलग मशीनें, पल्वेलाइजर होते हैं, ग्राइंडर होते हैं, उस पर बाद में आएंगे। अभी ग्राइंड करने से पहले कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर आपको रिमूव करना होता है। वो कैसे रिमूव कर सकते हैं आप? एक तो देसी जुगाड़ होता है कि आप लोग धूप में रख के उसका मॉइस्चर रिमूव कर दीजिए, लेकिन वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है आपका। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को मसाला कम समय में रोस्ट करना है, उसके अंदर से मॉइस्चर निकालना है, तो आपको किस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये है ओवन। इसके अंदर आप सारे जितने भी स्पाइसेस होते हैं, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो जीरा है, चाहे वो लाल मिर्च है, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि रोस्ट करने के बाद इसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है वो निकालने के बाद हम उसको ग्राइंड करते हैं तो क्या क्वालिटी आती है, और बग़ैर मॉइस्चर निकाले अगर हम ग्राइंड करते हैं तो क्या क्वालिटी आती है। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, देखिए हमारे पास ये लाल मिर्च है, ठीक है। इस लाल मिर्च को हम इस छोटे से जो ग्राइंडर है इसके अंदर डालेंगे। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये रोस्टेड नहीं है, मतलब इसके अंदर से हमने मॉइस्चर निकाला नहीं है, सीधा हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे इसको, इसका ढक्कन लगाएंगे, और ग्राइंड करेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का प्रोसेस है, इसमें हम दोनों तरीके से देखेंगे प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग के समझ में आए। ये लग गया, यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। तो देखिए, अभी हमारी मिर्ची ये ग्राइंड हो चुकी है, लेकिन अभी इसको खोलते हैं, बहुत उड़ता है ये, नाक में घुसता है। खोल के देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिटी आई है। देखिए आप, अब इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं, ठीक है। आओ भाई, क्वालिटी दिखाओ, पकड़ना इसको। ये देखिए आप, इतने मोटे मोटे कड़ हैं इसके, जबकि बहुत देर तक हमने इसको ग्राइंड किया है, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी जो आप लोग देख रहे हैं, ये बिना किसी रोस्ट के, बिना किसी मॉइस्चर निकाले हैं। अब नेक्स्ट जो हम आपको पीस के दिखाएंगे बिल्कुल ग्राइंड करके, वो इस रोस्टर के अंदर, जो हमारे इसको रोस्टर ही बोल सकते हैं आप, ओवन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये वाला जो रेड चिली आप नीचे देख रहे हैं, इसको अच्छे से इसका मॉइस्चर निकालेंगे और ग्राइंड करेंगे, और दोनों को आपको एक साथ दिखाएंगे कि उसमें और रोस्ट करने के बाद क्या फ़र्क होता है। तो थोड़ी देर वेट करिए, फिर आते हैं आप लोगों के सामने। तो अभी देखिए, जो ये हमारा ओवन है, इसको आपको 200 डिग्री पे सेट कर देना है। 200 डिग्री पे सेट कर दिया आपने, उसके बाद ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आपका, लगभग आधे से 45 मिनट तक आपको उसको छोड़ना है, अच्छे से हीट होगा। बहुत केयरफुली आपको ट्रे को बाहर करना है, क्योंकि ट्रे गर्म होते हैं। ये कपड़े से पकड़िए और ऐसे बाहर निकाल लीजिए, इसमें से पूरे आँच बाहर तक आएगी। ऑलरेडी एक नीचे ट्रे है, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि लापरवाही ना करें आप लोग, बहुत गर्म है ट्रे, जले ना, कोई मिस हैपनिंग ना हो आप लोग के साथ, ठीक है। अब इस वाले जो हमारे पास रेड चिली है, इसको इसमें हम डालेंगे, ऐसे अच्छे से इसको फैलाएंगे, ठीक है। कपड़े से पकड़ना है आपको अच्छे से, ताकि आप जले वले ना, और इसको ऐसे अंदर डाल देना है। वापस से इसको बंद करिए और 20 से 25 मिनट का वेट करिए, ठीक है। 20 से 25 मिनट के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो देखिए, अभी जो हमारा चिली जो हमने डाला था इसके अंदर, वो हो चुका है ड्राई। उसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं उसकी पिसाई करके कि क्या क्वालिटी हमारे निकल के आती है। आइए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं।
देखिए आपको पहले, देखिए आपने पैनल ऑफ कर दिया है, यहाँ से पैनल ऑन होता है, इसको आपको पहले ऑफ़ करना है, ठीक है। बहुत केयरफुली इसको ऐसे खोलना है, ओपन करना है, और फिर चाहे तो दो कपड़े ले लीजिए ताकि पूरे अच्छे तरीके से सावधानी बरतनी है आपको, गर्म है जल जाओगे वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छे से इसको ऐसे पकड़िए और बाहर निकालिए, ये देखिए कितना भी सावधानी बरतो जल ही जाता है हाथ। अब आप देखो ये जो हमारा चिल्ली है इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको फटाफट डालते हैं अपने मिक्सर के अंदर और इसकी पिसाई करके देखते हैं। ये देखिए ये अभी ऐसा जो भी ये हमारा है, ये जो भी हमारा ये चिल्ली है, ये सिर्फ एक आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ये किसी खाने के यूज़ में नहीं आएगा। तो आप लोग हाइजीन के ऊपर मत जाना कि यहाँ पे गंदगी है, ये है और वो है, ये सिर्फ आप लोग को एक दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप लोग पिसाई करेंगे तो ये क्वालिटी आएगी, उस तरीके से करेंगे तो वो क्वालिटी आएगी। थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं, वापस से इसको लेते हैं, इस पर लगाते हैं और दोबारा से पिसाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। और अब देखिए जो हमने इसकी खुद क्वालिटी देखी आप, अभी थोड़ी देर और पीसेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएगा जो आप, अब इसको पहले डिब्बे में निकाल लेते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाते हैं क्या कंपैरिजन है दोनों के अंदर, ठीक है। ये देखिए इसका जो ये मोटापन है जो आप इसके अंदर देख रहे हो, इतने मोटे मोटे टुकड़े, ये कभी आप इसको बिल्कुल बारीक कर नहीं पाओगे क्योंकि ये आपका इसके अंदर मॉइस्चर है, वो पिसेगा नहीं, वो एक के अंदर चिपकेगा। और ये आप देखो अभी इसको और आप थोड़ी देर ग्राइंड करेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल चुका है। फ़र्क आप लोग खुद देख लीजिए, आपके सामने लाइव दिखा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जीरा है, ठीक है, ये जीरा है, इसको रोस्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्वालिटी आती है। ग्राइंड आपका बिना मॉइस्चर निकाले और मॉइस्चर निकालने के बाद, तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, मिलेंगे फिर ऐसे ही इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।